का निधन हो गया। भानु प्रतापपुर विधायक मनोज मंडावी का हार्ट अटैक से निधन हुआ है। ग्रेग्राम नथिया नवागांव में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। धमतरी से नथिया नवागांव उनका पार्थिव शरीर लाया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जिस पर लगातार हम बने हुए हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे मनोज मंडावी का निधन हो गया। भानु प्रतापपुर विधायक मनोज मंडावी का निधन हो गया है, हार्ट अटैक से उनका निधन हुआ। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। धर्मलाल जी, जो बहुत दुखद खबर मिल रही है, आपके साथ ही रहे राजनीति का बड़ा अनुभव, क्या रिएक्शन देंगे आप? निश्चित रूप से न केवल परिवार के लिए बल्कि मैं कह सकता हूँ पार्टी और प्रदेश के लिए अपूर्णीय क्षति है। जहां तक मनोज मंडावी जी के संबंध में, युवा रहे और हमारे साथी रहे, अभी विधानसभा बहुत अच्छा उनको जब अवसर मिला, बहुत अच्छा चलाने का उन्होंने प्रयास किया। मैं समझता हूँ दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके उनका राजनीतिक जीवन रहा है। क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्धता उनकी हमने देखी है। इसके पहले 98 में वो मंत्री रहे जोगी जी के सरकार में, और इस नाते हम लोग विधायक थे उस समय, प्रतिपक्ष में थे, इस नाते हम लोग की लगातार बातचीत, और बिलासपुर भी उनका मंत्री के रूप में आना जाना, समीक्षा बैठक लेना, बातचीत करना, तो एक जो सामान्य गुण देखेंगे राजनीतिज्ञ का, वो सारे गुण से परिपक्व थे। और खास करके मैं उनका देखा हूं कि केवल पार्टी नहीं, पार्टी से ऊपर कैसे सम्मान दिया जाना, लोगों को साधने का प्रयास करना, अच्छे बातचीत के साथ में अच्छा व्यवहार करना, और कई बार आप देखे होंगे कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके बात करने वाले मनोज मंडावी रहे हैं जी। किसी को ये कल्पना नहीं थी कि इतने अल्प अवधि में वो चले जाएंगे छोड़ करके। मैं न केवल परिवार के लिए, मैंने कहा समाज तो है, पार्टी है, लेकिन प्रदेश के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। खुश मिजाज आदमी मनोज मंडावी जी रहे हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा उम्र भी उनकी नहीं रही है, रहते तो क्षेत्र के लिए और खास करके उनकी चिंता जो समाज के लिए चिंता, उस अंचल के लिए चिंता जो लगातार वो करते रहे हैं, निश्चित रूप से कमी आएगी उसमें और अपूर्णीय क्षति है। संवैधानिक पद पर रहे, आप भी प्रतिपक्ष में नेता रहे, ऐसे में अगर उनके सदन के बीच भीतर जो पक्ष और विपक्ष के बीच जो डीलिंग होती है, जो बातचीत होती है, आपने बताया बहुत अच्छे से मेंटेन मैनेज करते थे उसे, कैसा अनुभव रहा उनके साथ सदन के भीतर काम का? देखिए सदन के भीतर काम के जिस आसंदी में बैठ के जी जो संचालन किया जाता है, वहां पर पार्टी गौण हो जाता है, सदन के सदस्य उसके लिए प्रमुखता होती है। बिल्कुल, कि किसी के साथ में किसी को ज्यादा समय दे, किसी को कम समय दे, ऐसा उनके मन में कभी नहीं रहा। मतलब यदि बसपा के यदि हमारे विधायक भी बोल रहे हैं तो पर्याप्त समय देना, हाथ उठा लिए तो उनको अवसर देना, मतलब एक जैसा कहते हैं ना कि सधे हुए राजनीतिज्ञ, परिपक्वता जो उनमें जो दिखाई दे रही थी असंधी में जो काम करने हुए, और असंधी के बाहर भी वो जिस प्रकार से लोगों के बीच में उनकी बात व्यवहार, साथ में चलने की बात, और इस प्रकार की उनकी जो लोकप्रियता रही है, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा व्यवहार उनका। और एक कदावर आदिवासी नेता जो इनके पीछे लोगों की अपेक्षा रही है, जिनके पीछे भाव रही है जी, और समाज के प्रति जो समर्पण का उनका भाव रहा है, इस हिसाब से जो काम करते थे, निश्चित रूप से उस समाज के लिए भी अपूर्णीय क्षति है, प्रदेश के लिए भी। चलिए धर्मलाल जी, हमसे बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। तो पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक हमसे चर्चा कर रहे थे। सदन पे के भीतर जिस तरीके से वो दोनों को पक्षों को मौका देते थे। चलिए इस वक्त हमारे साथ महामहिम राज्यपाल अनुसुईया उइके हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हैं। अनुसुईया जी, बहुत दुखद खबर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी, आपका रिएक्शन चाहेंगे? मुझे अचानक अभी बिल्कुल जस्ट आपके फोन के 5 मिनट पहले ही ये सूचना मिली मुझे, और ये तो मतलब एक युवा थे और उपाध्यक्ष भी थे, आदिवासी समाज के बड़े दबंग नेता थे, और आकस्मिक इनका निधन सुनकर मुझे बहुत शॉक सा लगा। और निश्चित रूप से समाज, आदिवासी समाज के साथ प्रदेश के लिए भी, और हमें बहुत उनका अचानक आकस्मिक निधन होने से बहुत क्षति पहुंची है जी। और
मैं तो यही कहूंगी कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस समय दुख सहन करने की शक्ति दे, और पूरे प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें मैं श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, उनको नमन करती हूँ। और कल ही मैं आपको बता रही हूँ कि कल ही हमारे सांसद महोदय ने कहा कि ये मंडावी जी ने एक बहुत अच्छा मंदिर बनाया है, मैडम आप जरूर चलिए, और बहुत ही विशाल मंदिर उन्होंने निर्माण किया है। तो मैंने कहा मैं जरूर कार्यक्रम दिवाली के बाद बनाऊंगी, मैंने कहा। तो उनकी बड़ी तारीफ, हम कल चर्चा कर रहे थे, मंडावी जी जो सांसद है ना, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया और उनके बारे में बता रहे थे, और आज सुनकर वास्तव में एकदम शौक सा लगा। युवा थे, एकदम जुझारू थे और बड़े दमंग नेता थे, मतलब है। तो मैं तो क्या बताऊं इस संबंध में कि इस तरह के ऐसे व्यक्ति का आकस्मिक निधन हो जाना बहुत बड़ी क्षति हुई है समाज के लिए भी और प्रदेशवासियों के लिए भी। अनुसुईया जी, आप भी आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करती रही हैं, और साथ ही अगर मनोज मंडावी जी की बात करें, वो आदिवासियों का बड़ा चेहरा रहे, बड़े नेता रहे, ऐसे में पूरे क्षेत्र में आदिवासियों के लिए काम करना कितनी बड़ी आप चुनौती के रूप में देखते हैं, और वो जिस तरीके से बात रखते थे अपने क्षेत्र की आदिवासियों की बात को रखते थे, उसे आप किस तरीके से देखते हैं, कैसा अनुभव आपका रहा? निश्चित रूप से मैंने कहा ना कि बहुत बड़ा आदिवासी समाज के लिए क्षति है जी, और प्रदेश के लिए भी, कि ऐसे दमंग नेता बहुत कम होते हैं जो आदिवासी समाज के लिए जुझारू और उनके अधिकारों के लिए बात करते हैं, और इसीलिए तो वो आज उनको उपाध्यक्ष भी विधानसभा का बनाया है। मैं हमेशा मिलती थी और इतना सादगी उनके जीवन में था, मैं बहुत अब आपको बस इतना ही कह सकती हूँ कि एकदम मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ है, एकदम विश्वास नहीं होता है कि वो इस तरह का, ना पता भी नहीं लगा कि वो बीमार थे, अचानक ही हार्ट अटैक आया कहते हैं और खत्म हो गए। तो ये बहुत ही दुखद मतलब समाचार है। अब मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। चलिए अनुसुईया जी, हमसे चर्चा के लिए, बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन दुखद खबर आज छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़ी, भानु प्रतापपुर विधानसभा से विधायक मनोज मंडावी नहीं रहे। आज सुबह हार्ट अटैक से उनका निधन हुआ। उसके पहले भी उनको हार्ट अटैक आ चुका था, और ये दूसरी बार जब अटैक आया, उनके साथ जो उनके साथी राम भुवन कांग्रेस के नेता, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनको अचानक सुबह तबीयत बिगड़ी, उसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। डहरिया जी, जिस तरीके से हमने देखा वो अपने क्षेत्र में काम करते रहे, सबसे पहले तो आपको, आपसे प्रतिक्रिया चाहेंगे, आज सुबह जब खबर मिली तो आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा? बहुत ही दुखद घटना है, और मेरे तो पारिवारिक मित्र थे, जब हम छात्र राजनीति में थे तो हम लोगों ने एक साथ छात्र राजनीति शुरू की थी, और वो कांकेर के छात्र संघ अध्यक्ष थे और मैं यहाँ रायपुर में, तो हम लोग बस्तर में जब कोई कार्यक्रम होता था तो हम साथ हुआ करते थे। मेरे लिए निजी क्षति है और हमारे प्रदेश के लिए एक, हम लोगों ने एक आदिवासी नेता खो दिया है, निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के लिए आज दुख की घड़ी है, और मैं कह नहीं सकता कि मुझे कितना दुख है। प्रदेश में निश्चित रूप से मैं उनको और उनके परिवार को इस दुखद घड़ी में भगवान सांत्वना दे, यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। लंबा राजनीतिक जीवन रहा, लंबे समय तक आपके साथी रहे, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा मोमेंट जो आप शेयर करना चाहेंगे हमसे? देखिए, वो अपने धुन के पक्के थे और जो काम वो करना चाहते थे उसको करके ही रहते थे। हमारे छात्रों की जो समस्याएं थी, जब हम लोग पढ़ते थे कॉलेज में तो बहुत सारी चीजें बैठी थी जो विधायक शासन से मिलनी चाहिए, उसके लिए वो हमेशा लड़ा करते थे। अपने आदिवासी समाज के अधिकारों के लिए वो हमेशा जागरूक रहते थे, और लोगों के जो काम है, छोटे छोटे काम है, उसके लिए वो हमेशा ध्यान दे के प्रयास करते थे कि उनका काम होना चाहिए। और निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि गरीब लोगों के लिए, आदिवासियों के लिए, और हमारे जो उनके क्षेत्र के जो लोग हैं, जो उनको चाहते थे, उनके लिए एक बड़ी दुखद घटना है, और असमय इस तरह से चला जाना उनके लिए, हम सब के लिए, प्रदेश के लिए दुख का बहुत बड़ा कारण है। चलिए, हमसे बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया आपका शिव डहरिया जी। वर्तमान में बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। नारायण चंदेल जी, आपके जो साथी सदन के भीतर जो आपके साथ रहते थे, उनकी निधन का की दुखद खबर मिल रही है, क्या कहेंगे आप?
जी मुझे अभी अभी तुरंत ही जानकारी मिली है जी कि हमारे विधानसभा के उपाध्यक्ष और बहुत ही वरिष्ठ राजनेता माननीय मनोज मंडावी जी का दुखद निधन अभी भी हुआ है। निश्चित रूप से हम सबके लिए ये बहुत बड़ी क्षति है। मनोज मंडावी जी पहले भी हमारे साथ विधानसभा में बैठते थे, अत्यंत ही सहज सरल और विनम्र व्यक्तित्व के धनी थे और वो सुदूर वनवासी अंचल से आते थे जी। वो गरीबों की लड़ाई लड़ने वाले लोग थे। हमारे आदिवासी भाई वनवासी भाई इनके बीच में काफी लोकप्रिय जन नेता थे जी। मनोज मंडावी जी का ऐसे असमय चले जाना हम सबके लिए एक अपूर्णीय क्षति है। मैं उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और परिवारजनों को स्नेही जनों को इस दुख को सहने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे। ओम शांति। चलिए नारायण चंदेल जी, हमसे चर्चा के लिए बहुत शुक्रिया। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल अपने अनुभव साझा कर रहे थे, लेकिन जो क्षति है छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बड़ी क्षति के रूप में, खासतौर पर आदिवासी क्षेत्र में एक बड़ा चेहरा आज हमारे बीच नहीं रहा। कांग्रेस के विधायक भानुप्रतापपुर से विधायक मनोज मंडावी नहीं रहे और वो वर्तमान में विधानसभा के उपाध्यक्ष भी थे। आपको बता दें कि भानुप्रतापपुर के विधायक और छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष दिवंगत मनोज सिंह मंडावी अपने छोटे बेटे अमन मंडावी की कामयाबी से बेहद खुश थे। अमन मंडावी युवा कांग्रेस कांकेर के नए जिला अध्यक्ष नियुक्त किए गए, इस पर उन्होंने दो दिन पहले IBC 24 को अपनी प्रतिक्रिया भी दी थी। खुशी से भरे ये पल और उनका बयान उनकी जिंदगी का आखिरी बयान बन गया। भरी बरसात में यहाँ के युवा कांग्रेस के साथियों ने, कांग्रेस कमेटी के साथियों ने, NSI के साथियों ने और सभी महिलाओं ने और पुरुषों ने जिस हिसाब से स्वागत और सत्कार की गई, उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे कार्यकर्ताओं का इस प्रकार से यूथ कांग्रेस के प्रति समर्पण, राहुल जी के प्रति समर्पण, सोनिया जी के प्रति समर्पण और खासकर इस प्रदेश के मुखिया आदरणीय भूपेश बघेल जी के प्रति समर्पण का एक प्रयास वाची है। मैं कह सकता हूँ कि आज इतने लोग इकट्ठा होकर यूथ कांग्रेस के जितने भी पदाधिकारी हैं सब साथियों का स्वागत किया गया। आज के अवसर पे मैं इतना कहना चाहता हूँ, सभी जनताओं का, कार्यकर्ताओं का, युवा कांग्रेस के, कांग्रेसियों का, महिला कांग्रेस का और सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। उसी प्रकार से सभी जितने भी हमारे यूथ कांग्रेस के जिला के जितने भी पदाधिकारी हैं उनको मैं शुभकामना देता हूँ, उनको आशीष देता हूँ कि वो अपने जीवन में खूब उन्नति करें, खूब आगे बढ़ें और कांग्रेस के जीत में, कांग्रेस के उन्नति में और खासकर राहुल जी को और सोनिया जी को मंजूरी दें। ऐसी मेरा सोच है, ऐसे उनसे निवेदन। कहा जाता है जिंदगी और मौत का भरोसा नहीं होता और कुछ ऐसे ही यहां पर भी देखने को मिला। दो दिन पहले खुशी का बयान उन्होंने दिया अपने बेटे की सफलता पर, लेकिन आज